بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور باسل نيكلي Doctrine of Lispendence, the conceptual studies ke saath saath legal issues or juristic technicalities Pakistani legal framework ke hawale se, agar mukadme ke duran koi shakhs jayadat-e-mutadawiya jo bhi mutalqa jayadat hai उसको फरोख्त कर दे तो याद रखिएगा कि मुंतकिल अलैह मुकदमा की डिग्री या हतमी फैसले का पाबंद है। जिस शख्स के हक में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है ना, वो बंदा पाबंद है। चूँकि दुराने मुकदमा उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, इस हवाले से आपको पता है कि सेक्शन 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो इस बात की वजाहत दे देती है। और पाकिस्तान के अंदर कोई अदालत या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से है या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से किसी अदालत के रूबरू किसी दावे की समाअत या अदालती कार्रवाई के दौरान जो कि मुकदमा फरीकैन की बाहमी साजिश ना हो, कोई भी फरीक उस दावे या उस कार्रवाई के दौरानिए में बतौर फरीक होते हुए उस दावे या कार्रवाई का उस जायदाद मुतदविया को मुतलका जायदाद को मुंतकिल नहीं कर सकता। सेक्शन 52 इस पे बार लगा देता है। इस हवाले से 2015 YLR पेज 2243 जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। और कानूनी लिहाज से अगर किसी फरीक ने दौराने समाते मुकदमा जायदाद मुतलका को फरोख्त कर दिया है तो याद रखिए कि मुंतकिल अलैह असूली तौर पर उस दावे की डिग्री या हतमी फैसले का पाबंद है। इसलिए कि मुंतकिल कनिंदा अपने कानूनी इस्तेहकाक से कि जिसने का तायन उस कानूनी इस्तेहकाक का तायन उस अदालत ने कर दिया है उससे ज़्यादा इस्तेहकाक के मलकियत किसी मुंतकिल अलैह को दे ही नहीं सकता, किसी को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। ख्वा दस्तावेज़ जो है डॉक्यूमेंट है जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का उसमें इस फैक्ट की सराहत की जाए या ना भी की जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाद असां मुंतकिल अलैह उस प्रॉपर्टी का जो है वो बाद में ये उजर नहीं कर सकता और ना ही उसका ये उजर कहीं पे भी काबिले कबूल होगा कि उसको जायदाद मुतअल्लका
जो है उसकी लिटिगेशन का तो पता ही नहीं था, उसको दावा या किसी कार्रवाई के जेर समाप्त होने का इल्म नहीं था, ना इल्मी थी। 0/0 उसका रिजल्ट होगा और ना ही ये उजर कभी काबिल कबूल होगा। इस हवाले से 1995 MLD पेज 1153 PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 905 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 419 इस बात की हमें वजाहत देती है। अब कंडीशन क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 52 दौराने समाते मुकदमा किसी इमोबल प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करने के, जो बार लगा दी है सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, उसमें कंडीशंस के हवाले से याद रखना कि सेक्शन 52 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत जहां दौराने मुकदमा जायदाद की मुंतकली को सख्ती से मना कर दिया गया है, वहां दौराने मुकदमा जायदाद को मुंतकिल करने की सूरतें भी बयान कर दी गई हैं। पहली बात, अगर कंपिटेंट कोर्ट इस जमन में कोई आर्डर जारी कर दे कि दौराने मुकदमा जायदाद की ट्रांसफर हो सकती है, क्या दौराने मुकदमा जायदाद की मुंतकली इन शरायत के तहत हो सकती है जिनका निफाज मजाज कंपिटेंट कोर्ट खुद कर देगी। ये दोनों सूरतें दरअसल डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस की एक्सेप्शंस में फॉल करती हैं, और बतौर एक सिविल लिटिगेंट के या बतौर एक सिविल वकील के ये एक्सेप्शंस एक ज्यूरिस्टिक टेक्निकलिटीज के साथ हम फेस करते हैं, और ये दो एक्सेप्शंस डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस की हमें वो एक्सेप्शंस वो डिफेंस दे देती हैं जिसके तहत हम दौराने दावा जायदाद को मुंतकिल कर सकते हैं। इस हवाले से 2004 YLR पेज 487, 1988 CLC पेज 779, 2004 YLR पेज 466, 1985 CLC पेज 420, PLD 1988 लाहौर हाई कोर्ट पेज 717, 1982 CLC पेज 816, PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 292, 1992 CLC पेज 1416, 1993 MLD पेज 486, PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 292, 1987 MLD पेज 394, 1990 CLC पेज 670, 1991 MLD पेज 355, 1990 CLC पेज 366, 1990 MLD पेज 232, 1981 CLC पेज 1712, PLD 1981 लाहौर हाई कोर्ट पेज 696 और 1990 CLC पेज 670 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती हैं। इसके अलावा साहिब 2011 YLR पेज 232 जो है वो भी इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फ्राहम कर देती है। आगे बात चल ठहरती है सेक्शन 52 डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस पाकिस्तानी सिविल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई कहां पे होगा, इस सूरत में होगा जब फ्रीकैन के माबैन एक नए एजाद शुदा डिफेंडेंट के खिलाफ गठजोड़ दौराने मुकदमा हो जाए।
दो मातहत अदालतों का ये फैसला किसी भी केस में कि मुद्दई और मुद्दालय ने आपस में बाहमी साजिश करके नए इजाद शुदा मुद्दालय के खिलाफ ये मामला कर लिया है ताकि लिस्पेंडेंस के तहत प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर न की जा सके। अब अगर इस तरह का मामला खुल जाता है तो कानून की बुनियाद साहिब इस बात पे है कि हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इसी तरह ही एक टेक्निकलिटीज हम समाअत के दौरानिए में मुंतकली का जो असूल है प्रियम्पशन सूट्स के ऊपर भी इसी तरह अप्लाई होते हुए देखते हैं जैसे दूसरे मुकदमात में पहले से वजूद में आए राइट्स के ऊपर असरअंदाज अलबत्ता ये नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 52 जो है ये कदगन लगा देता है कि आपने दौराने समाअत मुकदमा जो है प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं करना है। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट वाज एट द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द परचेजर एंड सेलर हैविंग नो प्रोटेक्शन बीइंग हिट बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। इस हवाले से 2018 वाया लार पेज 1543 1995 सीएलसी पेज 908 1989 पीएलडी 274 1987 सीएलसी पेज 459 2010 वाया लार पेज 1666 2005 सीएलसी पेज 925 1987 एमएलडी पेज 2828 पीएलडी 1990 लाहौर हाई कोर्ट पेज 82 और जहां तक मामला ठहरता है एप्लीकेबिलिटी का इस हवाले से 2015 सीएलसी पेज 223 पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 185 और पीएलडी 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 905 जो है जी हमें गाइडलाइंस देती है। अब अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस के कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स या बेसिक इंसेंशियल्स को अगर हम एवेल्यूएट करना चाहें तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है डेट इज द पेंडिंग सूट, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस प्यारे दोस्त उसी वक्त अप्लाई होगा अगर जायदाद की बाबत कोई मुकदमा पाकिस्तान की किसी कंपिटेंट कोर्ट में जेरे समात है या जेरे कार्रवाई है। अब बात निकलती है अंडर हेयरिंग प्रोसीडिंग्स की कि कार्रवाई का जेरे समात होना पाकिस्तानी लीगल सिस्टम में कहां पे फाल करता है, तो उस हवाले से कानून के एक तालिब इल्म की नजर में हमेशा से दो सूरतें ऐसी होती हैं जब यह समझा जाता है कि कार्रवाई जेरे समात है। पहली बात, जिस तारीख से प्लेंट अदालत में दाखिल की जाएगी उसी दिन से ही उस दावे का कार्रवाई को जेरे समात समझा जाएगा, या जब कंपिटेंट कोर्ट बाख्तियार कोर्ट में कार्रवाई का आगाज हुआ है इस सूरत में और उस वक्त से मुकदमा या कार्रवाई को जेरे समात समझा जाएगा कि उस वक्त से जब यह मुकदमा आ गया था। उसके बाद एक नई बात सामने आती है वो है कंटिन्यूटी ऑफ सूट, मुकदमे का जारी रहना, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ सूट पहली कंडीशन है लिस्पेंडेंस की। सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882
कि मकासद के तहत मुकदमे का जारी रहना उस वक़्त तक समझा जाएगा जब तक के फाइनल डिग्री या कति अदालती हुक्म के ज़रिए उसका फैसला होने के बाद उस कति डिग्री या उस कति फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। या जब इस किस्म की डिग्री या हुक्म डिस्चार्ज न कर दिया जाए या बवजह मकर्रा मयाद में समाअत के खात्मे की बिना पर ऐसी फाइनल डिग्री या आर्डर की तामील उस कानून की रूह से नामुमकिन हो जाए जो नाफिस हो, कानूनी उसका जवाज ही ना रह जाए या कानूनन कोई जवाज पीछे रहता ही नहीं है कि वो नाफिस भी किया जा सके या उस ऑर्डर को नाफिस किया जा सके या उस डिग्री को इंप्लीमेंट करवा एग्जीक्यूट किया जा सके, उस वक्त तक कंटिन्यूटी ऑफ पेंडेंसी ऑफ सूट रहेगी। मेरे साहिब आगे चलते हैं। और जब ऐसा मामला आ जाए तो फिर मुकदमा तो खत्म हो जाएगा, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस की जो तलवार है वो उठा ली जाएगी, यानी जायदाद फिर ट्रांसफर की जा सकती है। उसके बाद साहिब बात ठहरती है, लेकिन इस हवाले से मैं रेफर करूंगा 2015 वायलार पेज 1348 1984 SCMR पेज 709 PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 818 और 2007 SCMR पेज 882 को। उसके बाद जहां तक मामला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट का, इस हवाले से 1998 SCMR पेज 858 PLD 2007 कराची हाई कोर्ट पेज 310 2000 MLD पेज 1633 PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 582 1990 CLC पेज 670 2012 SCMR पेज 983 2014 CLC पेज 1689 2015 CLC पेज 162 PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1051 2012 SCMR पेज 983 जो है ये हमें गाइडलाइंस फ्राहम करेगी। उसके बाद जो दावा है जिसके हवाले से हम लिस्पेंडेंस के डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने जा रहे हैं, वो दावा जिस कोर्ट में पेंडेंसी रख रहा है, जिस कोर्ट में जेरे समात है, वो कंपिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। वो अदालत उस दावे की समात करने का अख्तियार रखती हो, मजाज अदालत हो, ताकि उस मुकदमे को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक एडजुडिकेट कर सके। अगर वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं है तो उसका फैसला ही वॉइड होगा। अगर वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं है देन वो अदालत कतई सूरत फैसले का अख्तियार नहीं रखती है। और इस दौरानिए में अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है तो चूंकि वो इनकम्पिटेंट कोर्ट है, इस वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस वहां पे अप्लाई नहीं होगा और ऐसी ट्रांसफर काबिले कबूल होगी। सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई नहीं होगा, फारिग है। उसके बाद एक बात और खुल के सामने आ जाती है
कि वो दावा जो जेरे समात है और उस दावे के दौरानिए में उस मुतल्लका जायदाद की मुंतकली को रोका जा रहा है, बार किया जा सक कर रहा है कि कभी कती सूरत दौरान समात मुकदमा आगे से ट्रांसफर नहीं करना। अब वो दावा मदई और मुद्दा लय दोनों की नेक नियति के साथ होना चाहिए, बाहम साजिशी होके वो दावा ना करें ताकि लिस्पेंडेंस अप्लाई करवा लें हम। कोई साजिश नहीं होनी चाहिए पार्टीज की, वरना साजिश और अदालत को धोखा देने की कोशिश तो यूं हो सकती है कि मदई और मुद्दा अलैह सासबाज और साजिश के जरिए बाहम फैसला करके मुकदमे की कार्रवाई शुरू करवाएं ताकि तीसरा फरीक जायदाद की मुंतकली ना करा सके उस गरीब का बेड़ा गर्क करने के लिए। दोनों मदई और मुद्दा अलैह मिल गए। इस तरह से अगर पेंडिंग सूट साजिश पे मबनी है, पार्टीज बदनीयती के साथ मामला कर रही हैं, तो देन ऐसी पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरानिए में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो बिल्कुल जायज की जा रही है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा साहिब कि उस धोखे को उस साजिश को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मुंतकिल करने वाली पार्टी के ऊपर होगा। उसके बाद एक अहम मामला सामने आ जाता है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस में जेरे गौर लाना है आपने। कि उस इमोबल प्रॉपर्टी की बाबत राइट ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्टली या स्पेसिफिकली उस मुकदमे या उस कार्रवाई में शामिल ना हो। उसके बाद अगर मुंतकली दौरान समात दावा ऐसे पर्सन की तरफ से की गई जो कि फरीके मुकदमा नहीं है तो फिर मुंतकली ऐसी मुंतकली लिस्पेंडेंस के अंदर फाल नहीं है उसकी। और बाद में फरीके मुकदमा बनने वाले अफराद पर लिस्पेंडेंस किस तरह से ये अप्लाई होगा। अब ये बात आ जाती है कि फरीके मुकदमा मुंतकली करें तो उनको इस मुंतकली की इजाजत क्या कानून देता है नहीं देता है। अगर वो फरीके मुकदमा नहीं है उस एम्बट में ही नहीं आते हैं। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस उस वक्त अप्लाई नहीं होता है जब फरीके मुकदमा एक ही सफ में हो या जहां पर सिर्फ मुंतकिल कनींदा के राइट्स मुतासर होते हैं जबकि दूसरे फरीक पर उसकी कोई जात नहीं पड़ती। एंड इफ द अदर पार्टी हैज असेंटेड टू द ट्रांसफर ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट टू इट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिस्पेंडेंस, सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। क्योंकि अगर दूसरा फरीक है मुकदमा खुद दौरान मुकदमा
मुंतकली जायदाद की इजाज़त दे दे, तो बाद में वो मुंतकली जेरे समात मुकदमा के तहत लिस्पेंडेंस सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत बाद में नहीं आना। अगर वो आएगा तो कानून कहेगा पहले सुत्ते हैं, स्टॉपल अप्लाई होगा, खुद पहले आपने उसको मंजूरी दी और बाद में आप ऑब्जेक्शन करने आ गए हैं कोर्ट में। अब इस बात को 1995 सीएलसी पेज 1780 इस तरह से वाजे कर देती है कि अगर मुकदमा की समाअत के दौरान ये में जायदाद की तकसीम का असूल तस्लीम कर लिया जाए तो इस हवाले से आपको पता है कि ना ख़त्म होने वाला लिटिगेशन का जो सिलसिला है वो चल निकलेगा, जिससे समाअत के दौरान मुंतकली का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस है वो मजरूह होकर रह जाएगा और कानून कहता है कि भाई ठहर जाओ, पहले फैसला तो हो जाने दो। और यही बात डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस का बुनियादी ऑब्जेक्ट है। अब साहिब इस हवाले से मैं रेफर करूंगा 2000 सीएलसी पेज 1425, 2012 सीएमआर पेज 983, पीएलडी 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 292, 2010 वाईएलआर पेज 3242, 2003 सीएलसी पेज 250, 2003 सीएलसी पेज 972, 2007 सीएलसी पेज 177, 2002 सीएलसी पेज 47, 1997 एससीएमआर पेज 171, पीएलडी 2009 कराची हाई कोर्ट पेज 382, 2007 सीएलसी पेज 177, पीएलडी 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 223, 1990 सीएलसी पेज 670, 2007 एससीएमआर पेज 882, 2012 वाईएलआर पेज 1257, 2007 एमएलडी पेज 1236, 2007 एमएलडी पेज 1554, 2007 सीएलसी पेज 339 है, पीएलडी 2010 पिशावर हाई कोर्ट पेज 23 है, 2011 एमएलडी पेज 138 और पीएलडी 2011 पिशावर हाई कोर्ट पेज 228 और पीएलडी 1981 लाहौर हाई कोर्ट पेज 457 है और 2011 सीएलसी पेज 1566। इसकी बुनियाद जो है 1969 एससीएमआर पेज 254 हमें प्रोवाइड कर रही है और इसी हवाले से पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 303 एक लैंडमार्क जजमेंट, 2007 एमएलडी पेज 1768, 2008 एससीएमआर पेज 1272 है और इसी हवाले से पीएलजे 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 416 है, 1989 लॉ नोट्स पेज 913, 1989 एएलडी पेज 269 है, 1989 सीएलसी पेज 2092 और 1987 एमएलडी पेज 3016 हमें इस हवाले से गाइडलाइंस जो है वो फ्राहम कर रहा है। उसके बाद साहिब बात इस तरह से है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस का जो असूल है जायदाद पर नए हकूक वज़े करने से मना करना चाहता है ताकि लिटिगेशन का ख़त्म ना होने वाला सिलसिला जो है वो रोका जा सके, कि
क्योंकि जो पहले ही जेरे समात मुकदमे का मौजू सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी और मदई के हकूक के मजरू करने पर अंजाम पजीर हो रहा है ये मामला। अलबत्ता डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पेंडेंस हकूक के इजहार के लिए नाफिज नहीं होता है जो कि जेरे समात मुकदमा में पहले ही से पैदा हो चुका है। अब जेरे समात दावे का असूल हक के शुफा के मुकदमे में आपको पहले भी बताया कि मखसूस हालात के अंदर कुछ कंडीशंस के अंदर ही नाफिस होता है, लेकिन ये किसी भी सूरत में पहले से जो मौजूद राइट है उसको ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि मदई को यह हक है कि वो फरोख्त कनिंदा से बह की पहली पेशकश हासिल करे। शुफा के मुकदमात में आपको पता है और हक के शुफा का दावा जो करने वाला जो दावेदार है वो अपने हक के शुफा आला हकूक की बाजियाबी के लिए जमीन की ताजा मुंतकली के लिए दावा नहीं कर रहा, जो कि जेर समात मुकदमा के असूल के लिए लिस्पेंडेंस के लिए एक बुनियादी असूल है, बुनियादी मामला है। इस हवाले से 2013 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 262, 2004 CLC पेज 421 और 2004 SCMR पेज 813 और 2004 CLC पेज 616 और 1976 SCMR पेज 385 है। PLD 2014 लाहौर हाई कोर्ट पेज 14, 2004 SCMR पेज 1270, 2015 SCMR पेज 187, PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 24, PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 264, 1989 CLC पेज 1310, 2007 MLD पेज 1554, 1986 CLC पेज 2830 और 1989 SCMR पेज 292, 2001 MLD पेज 844, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 449, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 449 के अलावा इसी बात को 1997 SCMR पेज 171, 2000 MLD पेज 1581 और 1995 CLC पेज 908 में डिस्कस किया गया और 2001 MLD पेज 1323 जो है इस हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देती है और PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 43 जो है वो इस हवाले से हमें मुकम्मल वजाहत दे देती है। और इसकी जो डॉक्ट्राइंस हैं इस हवाले से 1987 CLC पेज 2134 जो है वो हमें गाइडलाइंस देती है। अब जहाँ तक इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस की लीगल नेचर जुरिस्डिक्शनल नेचर को हम अगर हम देखना चाहें तो पहली बात तो ये है कि जब तक किसी इमोबल प्रॉपर्टी से मतलब दावा चल रहा है वो जायदाद मुंतकिल नहीं की जा सकती। और जो दावा चल रहा है उसकी कार्रवाई का उस जायदाद मुतदविया की हक़ मलकियत से मुतल्लक होना लाजमी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद ये मुकदमा ऐसी कोर्ट में जेरे समात होना चाहिए जो कि कम्पिटेंट कोर्ट हो, अख्तियार समात रखती हो और कती और हतमी फैसला देने का अख्तियार रखती हो, फ्री कहने मुकदमा के दरमियान कोई साजिश ना हो। मुंतकली जायदाद जो है दौरान मुकदमा जो प्लेंटिफ के हकूक पर असरअंदाज ना होती हो। जो मुकदमा जेर समात थे वो मुकदमा शुरू होने की तारीख से आखिरी डिग्री या आखिरी हुक्म सादर होने तक की मुद्दत का नाम है। सही, ये बात जहन में रखिएगा। और
इंतकाल जायदाद का अमल फरीकैन मुकदमा ने या उनकी तरफ से मामूर करदा जो बाख्तियार अफराद हैं उनकी तरफ से दौरान समात दावा हुआ और अदालत की कोई रजामंदी या अदालत की इजाज़त हासिल नहीं की गई है, कोई एक्सेप्शन अवेल नहीं की गई है। चूंकि कंपिटेंट कोर्ट का जो अफसर मजाज से वो उस जायदाद मतदविया के बारे में फरीक मुकदमा तो नहीं था, इस हवाले से इस सारे मामलात को जब कभी भी एलिनेशन का मामला आ रहा है, जब ट्रांसफ़र का मामला आ रहा है, तो अदालत बार कर देती है कि भाई आगे ये ट्रांसफ़र ना किया जा सके, क्योंकि मज़ीद मुंतकली को रोकना इसका मकसद है जब तक कि अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है, कोई मज़ीद फर्दर एलिनेट ना हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह से एलिनेशन होनी शुरू हो जाए तो फिर तो मुकदमेबाजी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक कंपिटेंट कोर्ट को हतमी फैसला करने के लिए लिस्पंडेंस को अप्लाई करवाना पड़ता है ताकि जायदाद मुतनविया जो है वो दौरान समात मुकदमा फर्दर एलिनेट ना हो जाए। इस हवाले से 1989 SCMR पेज 292 PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 437 2012 CLC पेज 686 PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 818 1990 MLD पेज 232 1993 CLC पेज 384 2007 CLC पेज 1565 PLD 2003 कराची हाई कोर्ट पेज 222 1985 CLC पेज 2569 है 1988 CLC पेज 1952 है 1997 MLD पेज 536 है 2002 CLC पेज 1160 2002 CLC पेज 1550 2002 CLD पेज 262 2000 CMR पेज 431 2004 MLD पेज 1699 PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है 2003 MLD पेज 618 है 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 818 2002 SCMR पेज 2003 2002 YLR पेज 3223 2002 MLD पेज 1409 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 303 2002 SCMR पेज 2003 2007 CLC पेज 177 2007 SCMR पेज 882 2013 YLR पेज 332 2007 YLR पेज 1770 और 2000 MLD पेज 495 1994 SCMR पेज 1610 1990 CLC पेज 366 और याद रखिएगा कि अपील और निगरानी की आखिरी फैसले तक दावा ज़ेर समात रहता है।
और डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस उसी तरह ही अप्लाई होगा अपील में और निगरानी में भी, जिस तरह से कार्रवाई नीचे ट्रायल कोर्ट में था। इस हवाले से 2017 एमएलडी पेज 1600 बी, 2015 वायलआर पेज 1352, 2007 एससीएमआर पेज 1223 और पीएलडी 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 448 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती है। एक बात जहन में रखिएगा साहिब के दायरी दावे से लेकर दावे के फाइनल फैसले तक, फाइनल डिग्री तक डिग्री होल्डर के हकूक पर असरअंदाज हुए बगैर डिस्पेंडेंस का डॉक्ट्राइन अप्लाई होता है इस दावे के ऊपर। इस बात को 2016 एमएलडी पेज 594 सी में भी डिस्कस किया गया था। और एक और बात जहन में रखिएगा कि दौरान समाते दावा डिस्पेंडेंस अगर तोड़ दिया गया तो जायदाद मुतदविया खरीदने वाला जो पार्टी है जिसने दौरान समाते मुकदमा वो प्रॉपर्टी मुतदविया खरीद ली है वो जरूरी नेसेसरी पार्टी नहीं है। ये एक बड़ी कंफ्यूजन होती है हमें कि दौरान समात मुकदमा जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीद ली है भाई वो नेसेसरी पार्टी है या नहीं है। भाई वो नेसेसरी पार्टी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पार्टियां दो ही थी पहले वाली, उन्होंने लिस्पेंडेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर प्रॉपर्टी एलिनेट कर दी आगे ट्रांसफर कर दी है तो जिसके हक में ट्रांसफर हुई है उसके ऊपर बाइंडिंग्स तो होगी उस दावे की, उसका उजर बाद में नहीं आना कि मुझे पता नहीं था कि दावा चल रहा है। लेकिन वो जरूरी फरीक मुकदमा नहीं होता है। इस हवाले से 2017 सीएलसी पेज 1115 सी हमें गाइडलाइंस फ्राहम करती है। उसके बाद दौरान समाते दावा किसी जायदाद को किसी दूसरे के हक में ट्रांसफर करना जो है किसी भी सूरत में ट्रांसफर करना डिस्पेंडेंस अप्लाई हो जाता है। इस बात के ऊपर 2016 वायलआर पेज 41 नोट 52 59 जो है वो हमें गाइडलाइंस देता है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि दायरी दावे का जो पेंडेंसी ऑफ सूट का बुनियादी असूल है वो दायरी दावे के वक्त से शुरू होता है। दायरी दावे से पहले जायदाद फरोख्त करने के ऊपर लिस्पेंडेंस अप्लाई नहीं होता है। वहां वो लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी, एक अच्छा डिफेंस क्रिएट हो जाता है। इस हवाले से 2015 सीएलसी पेज 223 हमें गाइडलाइंस दे देता है क्योंकि बुनियादी तौर पे डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस वाज अवेलेबल टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, और कानून यही तो चाहता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस वुड कैरी द नेचर ऑफ स्टेटस क्यो रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। इस हवाले से 2015 वायलआर पेज 2243 पी और 2014 वायलआर पेज 2021 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे रही है सही। एक बात और सामने आती है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है और दौरान समात दूसरा खरीदार दावे की मेंटेनेबिलिटी पे एतराज करना चाहे तो भाई वो किस तरह से डिस्पेंडेंस तोड़ के आया है उसका कोई जवाब तो काबिल कबूल ही नहीं है, ना ही वो नेसेसरी पार्टी है। और हत्ता कि अगर अपील है या निगरानी है तो दैट इज ऑल टू द कंटिन्यूटी ऑफ द को द सेम सूट। निगरानी और अपील के फैसले तक वो लिस्पेंडेंस चलनी है।
और दौरान समात दावा मुद्दा आलय के हक में सेल की सूरत में जब टेम्प्रेरी इंजेक्शन है तो रिस्पोंडेंस तो आ गया ना, और उसके बाद हम लोग आम तौर पे क्या करते हैं कि रूल ऑफ रिस्पोंडेंस कैन बी यूज्ड एज ए टूल फॉर रिफ्यूजल टू ग्रांट टेम्प्रेरी इंजेक्शन। हम क्या कहते हैं कि जनाब आरजी हुक्म इम्तनाई जारी करना सूदमंद नहीं है, वैसे ही तो रिस्पोंडेंस अप्लाई होनी है ना इस सूट में, टेम्प्रेरी इंजेक्शन दे के क्या करना है। इस हवाले से NLR 2008 सिविल डाइजेस्ट पेज 3, 2009 YLR पेज 547, PLD 2009 कराची हाई कोर्ट पेज 382 और 2011 YLR पेज 232 हमें गाइडलाइन से देती है। उसके बाद एक बात और सामने आ जाती है कि क्या रेवेन्यू कोर्ट्स में जो सूट फाइल होता है वो भी रिस्पोंडेंस अप्लाई होनी है? भाई वो भी कंपिटेंट कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर के पास है या कलेक्टर के पास दावा दायर हुआ है, रिस्पोंडेंस उसी तरह ही। 2007 MLD पेज 1236 जो है वो हमें इस हवाले से गाइडलाइन से देती है, क्योंकि दौरान समात ने दावा जायदाद को मुंतकिल करना बोनाफाइड नहीं है, मेलाफाइडी पार्टीज की जाहिर कर देता है। इस हवाले से 2002 MLD पेज 1409 और 2005 MLD पेज 376 भी हमें गाइडलाइंस दे देता है। और बात वहीं पे जा रुकती है कि रिस्पोंडेंस का असूल ये कह देता है कि दौराने दावा की समाअत जो बंदा प्रॉपर्टी को खरीदता है वो अदालत के फैसले का पाबंद होगा, वह कल को वो उजर भी लेके आए तो काबिले कबूल नहीं है उसका कोई उजर। और एक पिछले दिनों हमने एक बात देखी एक दावे में, एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि दौरान समात दावा रिकवरी सूट अंडर आर्डर 37 CPC 1908 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिकवरी का मामला था, उसमें दौरान दावा चल रहा था, आर्डर 37 की एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। तो अब मेरे दोस्त फाजल दोस्त परेशान थे कि रिस्पोंडेंस सप्लाई होनी है या नहीं होनी है, बड़ी टेक्निकल सी बात थी। दौरान समात दावा आर्डर 37 के तहत रिकवरी ऑफ सूट में वही प्रॉपर्टी अटैच होके प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती, तो भाई उसके ऊपर रिस्पोंडेंस अप्लाई नहीं होनी है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में गई है, किसी ने खरीदी नहीं है, इस वजह से रिस्पोंडेंस का असूल उस रूल जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होना है। इस हवाले से NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट पेज 586 जो है हमें गाइडलाइन से देता है, और 2004 SCMR पेज 578 भी हमें गाइडलाइन से देती है। और अलबत्ता ये बात जहन रखिएगा कि रिस्पोंडेंस को हम टेम्परेरी इंजेक्शन के खिलाफ ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी तरह रिस्पोंडेंस की ग्राउंड पर रिस्पोंडेंस की ग्राउंड के ऊपर 110 की जो एप्लीकेशन है फरीके मुकदमा बनाने की वो खारिज नहीं की जा सकती है, मेरिट पे फैसला होगी उसका। और इस हवाले से 2002 YLR पेज 3223 और 2004 MLD पेज 1395 भी हमें गाइडलाइंस दे देता है। तो साहिब ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट
was at risk and cost of the purchaser and seller having no protection, being hit by the doctrine of lispendence. क्योंकि कानून दौरान समात मुकदमा प्रॉपर्टी को मुंतकली से रोकना चाहता है ताकि मुकदमेबाजी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू ना हो जाए. इस हवाले से चंद गुजारिशात थी जो हम गपशप लगाना चाहते थे बैठ के, लेकिन कुछ दिनों से मैं आपसे गपशप लगा नहीं सका हूं. कोई ख़ास वजह नहीं थी सवाए सुस्ती के, और सुस्ती आपको पता है कि जब प्रिवेल करती है तो फिर जनाब बंदा वैसे ही सबड्यू हो जाता है उसके. अलबत्ता दुआओं में याद रखिएगा. दोबारा मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.